हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए आए कौन ड्रैग रेस की वीडियो अपनी हुंडे वरना की हुंडे सोनाटा के साथ। तो गाइस जो सोनाटा है ये अपनी डी सेगमेंट है, वो सी सेगमेंट है, ये डी है, ये एक ऊपर सेगमेंट है, अकॉर्ड वाला सेगमेंट था, ठीक है। बहुत अच्छी गाड़ी थी। पावर स्पेक जो है इस गाड़ी के वो है 2.4 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दैट प्रोड्यूसेस 200 bhp एंड 255 nm ऑफ टॉर्क। बाकी वेट की बात कर लें तो करीबन 2000 किलो की गाड़ी है भाई ये, ठीक है, और 5 स्टार है। बाकी अपनी जो हुंडे वरना है ये 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है दैट प्रोड्यूसेस 158 bhp एंड 253 nm ऑफ टॉर्क। तो और बाकी वेट इसका RC मेरे पे नहीं आई है तो 1220 किलो के अराउंड मान लो आएगी, तो मैं रियल भी बता दूंगा आपको। बाकी वेट में करीबन 800 किलो का फ़र्क है राउंड फिगर, एंड पावर में bhp वाइज बात करें तो 40 bhp का फ़र्क मान लो, बट टॉर्क दोनों गाड़ी का सेम है। बाकी वो ऑटोमेटिक है 6 स्पीड और ये 6 स्पीड मैनुअल है। तो लॉन्च तो मेरे को लग रहा है कि अपनी वाली का बेटर हो सकता है, बाकी देखते हैं। आतिश भाई क्या लग रहा है? वरना भाई क्लियरली वरना ही कह दे। मैंने मैनुअल सोनाटा के साथ करी थी सेल्टोस की। अच्छा, तो उसमें सेल्टोस जीत गई थी मैनुअल वाली सोनाटा से और सेल्टोस। बट बताऊँ चक्कर क्या है, मैनुअल गाड़ियाँ ना फिर इंसान को चलानी भी आनी चाहिए जब जाके वो जीतती है। ऑटोमेटिक में ना क्या है ना कि ब्रेक बूस्ट अच्छा भी हो जाएगा। ये देखो व्हील स्पिन मार रही है, ये व्हील स्पिन मार रही है भाई ये, और 200 bhp और ऊपर से एक चीज देखो ना, 200 bhp NA का है भाई, टर्बो का नहीं है। हाँ। NA का तो और पावरफुल होता है ये। तो भाई, तो भाई आपको क्या लग रहा है भाई? भाई देखो हिंडे की दोनों गाड़ियां हैं। हाँ। टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड, वेट का बहुत फर्क है ना, 200 bhp है तो, लेकिन 800 किलो का फर्क भी आ जाता है वो थोड़ा सा। अगर वो DCT एक बार होती ना तो लगता कि शायद सोनाटा जीत जाए, बट ये लॉन्च ले रही है। हाँ ले रही है, ये टॉर्क कन्वर्टर है ना, थोड़ा बेटर है DCT से। तो ब्रेक बूस्ट अच्छा होगा ना गाड़ी का, DCT वगैरह नहीं है ना, इनमें टॉर्क कन्वर्टर आता था और खुल के भगती थी गाड़ियाँ। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद, बने रहिए अपने तुषार भाई के साथ। तुषार भाई क्या रखने वाले हो? मैक्सिमम पोटेंशियल भाई मेरे पे स्पोर्ट मोड भी है, AC ऑफ भी और ट्रैक्शन भी ऑफ है, करो उनका पूछ लगाओ। स्पोर्ट्स लगा दिया, बाकी ट्रैक्शन फुली डिसेबल करके दिखा रहा हूँ। और AC ऑफ कर देना, ठीक है, फुल मैक्सिमम पोटेंशियल है ना आपका। हाँ ड्रैग है ना भाई, 3-2-1 हम करेंगे। हॉर्न से करोगे आप? हॉर्न से करोगे? 3-2-1 से करोगे? तो किसी से करवा देते हैं ऐसा करते हैं। आपको दिख जाएगा ना उससे? मैं थोड़ा इसको हाफ रखूंगा, देख के फिर। ठीक है फिर ऊपर कर लेना आप, बस उड़ाना मत भैया। 3 ठीक है ना? करना ही क्या दे लेकिन वेट भी बहुत ज्यादा है ना, पोटेंशियल होगा और ऊपर से ऑटोमेटिक है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, पोटेंशियल होगा भाई। लेकिन अभी पहले राउंड में कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए भाई, मैंने देखा है लोगों की रेस पर लड़ते हुए। अरे थोड़ा, हाँ जी रुक जाओ बहुत पीछे कर रखे, आवाज ही नहीं आएंगी। कर ले ऑन। हाँ जी भाई, अच्छा तो मैनुअल पे करके देख लो। अब मैनुअल पे कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ लॉन्च में दिक्कत तो नहीं रहा ना आपसे? ठीक है, अब क्या कर रहे हो? मैनुअल पे कर रहा हूँ। ठीक है, 3-2-1 हम करा देंगे। अरे वो ठीक है, जम तो नहीं था? नहीं,
अब रह गई, अब उसकी लॉन्च नहीं हुई भाई। रोलिंग में कुछ फर्क आएगा? डेसीमी रोलिंग। गियर कितना टाइम लगा? लगाई फिफ्थ लगाई हो? अब तो चल ब्रेक ले लियो। ब्रेक नहीं ली, यहाँ ले रहा है। परफेक्ट था भाई। और आपको एक चीज बता दूं, हमने हाँ। एसी ऑन कर रखा था। अच्छा, एसी ऑन कर रखा था। बट इस बार भाई करा देंगे, एसी ऑन कर रहा हूँ और मिनिमम कर रहा हूँ, इको मोड लगा रहा हूँ। इको मोड बस ट्रैक्शन ऑफ रहेगा क्योंकि बॉक डाउन मार जाती है वरना। ठीक है गाइज, अपना मिनिमम पोटेंशियल है, ट्रैक्शन हमें ऑफ करना ही पड़ेगा ना, बॉक डाउन मार जाएगी, गर्मी का टाइम है। बाकी पूरी कोशिश करेंगे जब ना करने की। तू हल्का सा लेट ही लियो या तो लॉन्च में। नहीं नहीं ठीक है। वन टू थ्री ठीक है ना? हाँ कर दे। इतना क्यों खींच रहा है? कोई कंपटीशन बन रहा है क्या? फोर्थ लगा, 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 फोर्थ लगा। आने दे। क्यों चीटिंग करवाता तू? वो सामने जा रही है, वो रोक ले। कोई दिक्कत थी भाई? नहीं भाई। हाँ वो गाड़ी दिख गई थी ना बाद में। अच्छा नहीं, वो शॉर्ट शिफ्ट कर दिया था, तीसरे गियर की जगह चौथा डाल दिया, पहले डाल दिया। ठीक है। ड्रैग ही करना है? ड्रैग करना है, रोलिंग करनी है? बताओ। रोलिंग ही कर लो, ड्रैग में तो मेरे ख्याल दिक्कत ही आ रही है। ड्रैग कर लो फिर एक रोलिंग। ठीक ठीक ठीक, डन डन। फाइनल ड्रैग कर रहे हैं, मेरा मिनिमम पोटेंशियल ही है, आपका मैक्सिमम। इको मोड, एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑफ। जी ट्रैक्शन ऑफ हो जाता। ठीक है भाई, चलो रेडी। 3 2 1 रन दे। उनको बोलो शीशा नीचे करें, उनको समझ नहीं आएगा। ऐसा करते हैं भाई, कोई बोलता है भाई आप हॉर्न दे दो, ओए ब्रेक ना ले ले, लेकिन ना शीशे में देख लेना इसको गाड़ी, ये जैसी साउंड आती है मैं खुद ले लेता हूँ। भाई ऐसा करो, आप हॉर्न दबा दो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना? आप हॉर्न दे दो। हाँ 3000 रुपये ले ले। एक मिनट बता। हाँ कर दे। इस बार शॉर्ट शिफ्ट नहीं हुआ था ना हमसे, इस बार एकदम परफेक्ट शिफ्टिंग करी तो पोटेंशियल में भी नहीं पकड़ पाएगी। अब रोलिंग कर लेते हैं, फर्स्ट गियर 20, तीन और आराम दे दो। चलो तीन और हम दे देंगे। हाँ मेरा मिनिमम ही है। चलो आपका भी सेम सेट है। हाँ तो गाइस रोलिंग राउंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट गियर 20 से हमारा मिनिमम ही है, इको मोड और एसी ऑन, तीन ऑन भाई दे देंगे। रोक ले। ऑटोमेटिक में क्या अटक गया? पता नहीं रेस नहीं दी होगी यार। कोई नहीं, वन पे कर लो, मैनुअल वन पे कर लो। अच्छा थोड़ी पीछे कर लो या यहीं से कर लो, बताओ मुझे। यहीं से कर लो, कर लो पीछे कर लो, बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ तो गाइस रोलिंग डाउन करने जा रहे हैं, फर्स्ट गियर 20 से तेरे कर लो, बूंदी कर लो 21। ठीक है भाई, ज़्यादा पीछे नहीं, अब थर्ड में जाएगी ना, मिड और स्ट्रॉन्ग। चांस आराम आराम से
से ब्रेक लगाऊं, पैनिक ब्रेकिंग करके फायदा क्या। 150 ब्रेक ले लिया, मैं आपसे आगे होने के बाद 150 पे ब्रेक मार रहा हूं, तो 160 कैसे चली गई। इस बार लंबा खींच लो और पता चल जाएगा। फाइनल एक रोलिंग और मैं दे दूं इस बार। नहीं भाई को देने, चलो आप दे दो, आप ही देना भाई। चलो फर्स्ट गेट 20। हां हां जी हां जी। तो चल चल। तो उधर से वो रुकवा रहा है कि बराबर है वो भाई, आगे लेते जा रहा तो बराबर तो सेम तो लेके जा। हाँ तो सेम कराने के बाद ब्रेक मारने पड़ेंगे ना वो भाई, रोके तो बस परफेक्ट है। ठीक है बट अच्छी टक्कर दे रोलिंग में, तो शुरू के स्टार्टिंग के सेकंड गियर तक अच्छी टक्कर दे रही है गाड़ी। मैनुअल होती तो थोड़ी और, मैनुअल में कह ही रहा हूँ भाई, मैनुअल में तो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन बन जाता, ऑटोमेटिक में एक तरफा जीत गए ऐसे, मैनुअल कहीं ना कहीं टक्कर देती। और मैनुअल अभी है तो ऐसे ना मिनिमम मैक्सिमम करके भी जीत रहे हैं समझो। ये भी है, एसी भी तो आना है हमारा, सब कुछ वेंटिलेटेड सीट भाई, धुआं निकल गया गाड़ी का हमारी उनका। अच्छा तो गाइस साउंड्स आपने देख लिए होंगे, अपनी हुंडे वरना ही क्लियर विनर रहती है। ऑल तो हमें लगा था कि सोनाटा में जैसे ऑटोमेटिक है बट ड्रैग के टाइम पे ब्रेक बूस्ट अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है, बट नहीं गाइस ये मान सकते हो अगर सोनाटा मैनुअल होती तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन रहता, ऑटोमेटिक में तो एक तरफा हुआ और ऊपर से हमने मिनिमम पोटेंशियल पर भी ड्रैग रेसिस करी तो उस पर भी एक तरफा अपनी वरना ही जीत रही है। हाँ रोलिंग में हालांकि अच्छी टक्कर दी सोनाटा ने बट वो भी सेकंड गियर तक ही दी क्योंकि थर्ड गियर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी वरना का और ऊपर से मैनुअल है। ठीक है गाइस, तो यही कुछ थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।